हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इनेबल करने वाले हैं डिस्कॉर्ड रिच प्रेजेंस हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। सो, अगर कोई भी प्लेयर आपका सर्वर ज्वाइन करेगा उसके स्टेटस में शो होगा प्लेइंग योर सर्वर नेम। अभी क्या होता है, अभी शो होता है प्लेइंग 5M। सो, इसको इनेबल करने के लिए आपको आ जाना है सबसे पहले अपने क्यूबिकोर सर्वर में। इसके लिए आपको कोई और स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं करनी, बिकॉज ये फंक्शनैलिटी पहले से ही आपके सर्वर में अवेलेबल है। सो, इसको इनेबल करने के लिए आपको आ जाना है रिसोर्सेज में। इसके बाद आना है आपको क्यूबी में एंड आपको स्क्रॉल करके आना है क्यूबी स्मॉल रिसोर्सेज में। सो, एक बार मैं वहाँ पे चलता हूँ। सो, ये आ गया क्यूबी स्मॉल रिसोर्सेज एंड इसके बाद मैं आ जाऊँगा इसकी कॉन्फिग फाइल में। सो, ये मेरी दूसरी स्क्रीन पे ओपन हो गई थी। सो, इस कॉन्फिग फाइल में आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है एंड आपको इस सेक्शन पे आ जाना है। लाइन नंबर 47 पे आपको आना है एंड यहाँ पे इज इनेबल्ड को ट्रू कर देना सबसे पहले। तो ये कर लिया आपने एंड इसके बाद हमें प्रोवाइड करनी है इसको डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन आईडी। अब ये आईडी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र पे एंड डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसको ओपन करने के लिए आपको अपने डिस्कॉर्ड आईडी से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पे आएगा आपका एप्लीकेशन नेम। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना ही नेम लिख देता हूँ एंड इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो, यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी एंड आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगी। सो, यहाँ पे ये है मेरी एप्लीकेशन आईडी। सो, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ यहाँ पे, इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दूंगा एंड इसके बाद आ जाती है इमेज की बारी। सो, आपको दिखता होगा जब आप कहीं पे क्लिक करते हो उसके बाद नीचे इमेजेस शो होती है एंड वो एक टाइप से आइकन है। अब वो आइकन भी आप खुद से अपलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे दो आइकन अपलोड कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं आप कौन से आइकन्स की बात कर रहा हूँ। सो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक है लार्ज आइकन, इसके अलावा एक स्मॉल आइकन भी होता है जो कहीं पे यहाँ पे नीचे दिखता है। सो, अगर आप उसको इनेबल करते हो तो दोनों आइकन दिखेंगे एंड उनके ऊपर अगर आप होवर करते हो तो आपको एक कस्टमाइज टेक्स्ट भी दिखेगा। सो, इसको सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे रिच प्रेजेंस में आ जाना है एंड आर्ट एसेट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इमेज अपलोड करनी है, पर याद रखना जो साइज़ है ये रखना, अगर साइज़ आपका थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी। सो, यहाँ पर मैं कोई भी सैम्पल इमेज अपलोड कर लेता हूँ एक बार, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 5M आइकन एंड आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश करना है यहाँ पे। सो, आप देख सकते हो वो एसेट गायब हो गया, बिकॉज वो थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में। सो, जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। सो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाता। A few moments later. सो, 10 से 15 मिनट बाद जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मेरा एसेट अपलोड हो चुका था। इस टाइम में आप रिफ्रेश करते रहना। सो, जैसे अपलोड होगा या फिर अपडेट होगा तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। एंड याद रखना, चाहे आप इधर जितने मर्जी एसेट अपलोड कर लो, वो अपना एक प्रोसेसिंग टाइम लेंगे एंड उसी के बाद ही आपको विजिबल होगा। एंड इसके बाद अगर आप उनको डिलीट भी करते हो तो उनको डिलीट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ये इशू डिस्कॉर्ड के एंड से है। सो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोड हो चुका है मेरा 5M आइकन एंड मैं अब इसको यहाँ से इसका जो नेम है वो कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आइकन लार्ज में पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे है होवर टेक्स्ट। अगर आप आइकन के ऊपर होवर करते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखना चाहिए। सो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ युवराज वर्मा रोल प्ले। इसके बाद आ जाता है स्मॉल आइकन। सो, आप एक और आइकन अपलोड कर सकते हो किसी और नेम से, डिफरेंट नेम से, एंड उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप कोई और टेक्स्ट भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे सेम आइकन भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर आपको यूज़ ही नहीं करना ये तो आप इतने सेक्शन को कमेंट आउट भी कर सकते हो। सो, यहाँ पर मैं सेम नेम ही एक बार यूज़ करता हूँ बिकॉज आपको आइडिया हो जाएगा कि स्मॉल आइकन एंड लार्ज आइकन में डिफरेंस क्या होगा। सो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस इज स्मॉल आइकन। ओके, सो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। इसके बाद आपको प्लेयर काउंट दिखाना है कि नहीं दिखाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो एंड यहाँ पे मैक्स प्लेयर्स भी आप बता सकते हो कि इतने टोटल प्लेयर आपके सर्वर में आ सकते हैं एंड ये यहाँ पे आप अपने हिसाब से नंबर सेट कर लो, ये बस नंबर दिखाने का होगा। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं सो यहाँ पर होंगे बटन्स। यहाँ पे दो बटन है। सो, पहले बटन पे होगा जब कोई भी आपके सर्वर से कनेक्ट करना चाहेगा तो वहाँ पे उस बटन पे क्लिक करेगा एंड 5M ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो, ये आप उसके लिए है। सो, अगर आप 5M आपको यहाँ पे दिख रहा है सो ये 5M ओपन करने के लिए ही है एंड यहाँ पे आपको अपने सर्वर की आईपी पेस्ट करनी होगी। सो, कोई भी आपकी आईपी होगी वो आपको बस पेस्ट करनी है। सो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5M सर्वर या फिर जॉइन नाउ।
सो ये तो था हमारा फर्स्ट बटन, एंड सेकंड बटन में मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का इनवाइट या फिर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक। ये काम आप फर्स्ट बटन में भी कर सकते हैं, एंड आपकी मर्जी है इन बटन्स को आपको कैसे कस्टमाइज़ करना है। सो सेकंड बटन में मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर देता हूँ, तो वो है https://yuvrajvarmaofficial। ओके सो हमने ये कर दिया, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा YouTube चैनल। सो इतना हमने काम कर लिया, एंड यहाँ पे हमारा कस्टमाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस कन्फिग लुआ से। अब सबसे लास्ट काम करना है, वो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है वापस डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल में, एंड आपको वापस जनरल इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। एंड यहाँ पे ये जो नेम है, ये वही नेम है जो शो होगा आपके प्लेयर के प्रोफाइल पे, मतलब प्लेइंग उसके बाद आपको क्या नेम शो करना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, तो मेरे में आएगा प्लेइंग युवराज वर्मा, या फिर अगर मैं लिखना चाहूँ युवराज वर्मा रोल प्ले। सो अब ये दिखेगा बाकी लोगों को। सो मैंने इतना काम कर दिया है, एंड अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ एंड अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। एंड रिस्टार्ट करते टाइम याद रखना आप कैशेस क्लियर कर लेना, बिकॉज कभी कभी इशू आ सकता है कि ये अपडेट ना हो। सो मेरे साथ हो चुका है, सो इसलिए मैं पहले कैशेस क्लियर कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपने सर्वर को ऑन करना है एंड सर्वर से एक बारी कनेक्ट करके देखना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट, एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने 5M सर्वर में, एंड अब चलते हम एक बार अपने डिस्कॉर्ड पे एंड देखते हैं वहाँ पे क्या शो हो रहा है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है प्लेइंग युवराज वर्मा रोल प्ले, एंड इसके बाद आपको शो कर रहा है यहाँ पे लार्ज आइकन, ये वाला है लार्ज आइकन, एंड ये है स्मॉल आइकन, एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो वहीं पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे दो बटन शो हो रहे हैं, सो पहला है यहाँ पे सर्वर ज्वाइन करने का बटन, एंड सेकंड बटन है हमारे चैनल का। सो मैं आपको एक बार ये भी प्रेस करके दिखा देता हूँ, से हमें कुछ ऐसा दिखेगा। सो दोस्तों यही था इसका सेटअप, एंड आपको वीडियो कैसी लगी हो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड अगर आपके पास कोई फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए कोई भी सजेशन हो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे हो सकती है हमारे क्यूबिकोर सर्वर की कस्टमाइजेशन, एंड या फिर हमें जो बेसिक स्क्रिप्ट्स मिलती है उनमें कुछ कस्टमाइजेशन करके दिखानी हो तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहाँ आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।